हेलो फ्रेंड्स, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं सैलून, क्योंकि अमित के हेयर कटिंग करवानी है और बियर्ड क्लीन बिल्कुल करवानी है। तो हम लेकर जाएंगे आज दिया को साथ में, इसलिए ही जा रही हूँ, वरना मैं जाती नहीं। आज दिया को साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि जब ये क्लीन करवा लेते हैं हेयर और बियर्ड, तो है ना, दिया बिल्कुल भी इनको नहीं पहचानती। वो आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, तो इसलिए ये कह रहे दिया को लेकर चल, और इनकी आज तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा चलो, पर थोड़ा सारा शक्ल वैसी मरीज वाली हो रखी है, तो ये क्लीन करवा लो, थोड़ा ठीक लगोगे। तो चलिए चलते हैं दिया को लेकर। ये देखो, दिया पहले ही रेडी है, इसको नहलाना था, लेकिन पहले हम जा रहे हैं इनके साथ, फिर इसको आके इसको भी नहलाएंगे, अपने पापा के साथ ही नहा लेंगे। चलिए चलते हैं नीचे सैलून, जाओ दूंगी। आ गए सैलून, आ गए। अब पापा जी की हेयर कटिंग होंगे, देखोगे आप? देखते पहचानती है मेरे को। देखो पापा जी क्या करवा रहे हैं, देखो पापा जी सुंदर बनेंगे, सुंदर स्मार्ट बनेंगे, स्मार्ट है ना, बनेंगे ना स्मार्ट, बनेंगे ना। आप देखोगे पापा जी को स्मार्ट बनते हुए। दिया मच्छर खा गए दिया को। हाँ और करवाओ थोड़े कम, बहुत ज्यादा ही अभी भी मुझे बड़े बड़े लग रहे हैं तुम्हारे हैं। बाबू ये कौन है, कौन है ये? तो अभी कुछ नहीं बोल रही। देखो पापा जी को, पापा जी को देखो, पापा जी को क्या कर रहे, देखो अंकल क्या कर रहे, तेरा देखना बहुत जरूरी। देखो देखो पापा जी क्या कर रहे हैं, कौन है ये, कौन है, कौन है? आप देखते दिया कैसे पहचान, बिल्कुल क्लीन हो गई, पूरी क्लीन हो गई। बेटा कौन है ये? अंकल। पापा को देखने के चक्कर में, मैं अमित को दिखाने के चक्कर में इसको ले आया, और देखिए मच्छर कैसे खा गए, वन एक एक खा गया, टू एक एक खा गया, एक और ये खा गया, ये कितनी जगह खा गया मेरे बच्चे को। जा रहे हैं बाहर दिया को लेकर, इसको बहुत ज्यादा मच्छर खा रहे हैं। पापा जी को बुलाओ, कहाँ है पापा जी, कहाँ है पापा जी, कहाँ है पापा, कहाँ है दिया? पापा, पापा जी के पास जाओ, जाओ ओ। ले लो ले लो ले लो ले लो, इसके पापा ने रिश्वत दी है पहचानने के लिए, ताकि है ये सोच रहे थे मुझे पहचान लेगी, चीज दिला दी, तो चीज तो ले ली, अब देखते पहचानेगी या नहीं। नीचे उतरो, गए अभी पैसे देने अंदर, चलो चलते। आ गए हम घर पे, ये लो पानी पियो आप भी, फ्रिज में से पानी निकाल रही है, ये लो आपके बोतल, खोल दो दादी खोलेंगे। हाँ अभी अभी पहुंचे गाइस, अभी हम चलो देखते हैं रिएक्शन दिया का। आ जाओ जी दिया के पापा जी। तो गाइस देख रही है पापा को, इसके पापा जी नहा रहे हैं, तो ये देख रही है अंदर कौन बैठा, कौन अंदर, कौन है, मुंह से तो बोलो कौन है, कौन है बाबू, ये कौन है, बोलो पापा जी कौन है। बताओ, स्मार्ट पापा पसंद नहीं है इनको, भी जंगली पापा पसंद है, जिनकी बड़ी बड़ी है बाबा जी वाली दादी आ जाती है। बाबू ये आपके पापा जी हैं, ये सोचते हैं इतने सुंदर तो नहीं है मेरे पापा, तो इसलिए पहचानते नहीं है गाइस। बाबू ये आपके पापा जी हैं, कौन है, कौन है? मैं कौन हूँ? एक तो वैसे ही वो मुझे तो लगा साथ में लेके जाऊंगी तो ये पहचान लेगी, इसी वजह से हमने एक कोई खाली सैलून देखा था, जिसमें दिया आराम से अपने पापा को देख सके, पास जाकर भी, और देखना ये तो इनके पास जाना ही पसंद नहीं है। तो फाइनली अपने पापा को पहचान लिया दिया ने।
चलो मुबारक हो दिया जी, आपके पापा जी है। चले तो गए लेकिन ये ना कंफर्टेबल नहीं है। जैसे खुश होके जाती है ना, आ तो गई लेकिन कंफर्टेबल नहीं है तुम्हारे साथ ही। तो ऐसा करूंगी गाइस, आज मैं इनके पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाए लूंगी। बहुत दिन से जंगली बने हुए थे तो स्कूल में फोटो चाहिए थी, मैं कहती क्लीन करवा लो अच्छे बन जाओ, तो आज ये बन गए हैं तो इनकी आज फोटो भी खिंचवा लेते हैं स्कूल में देने के लिए सात्विक के। तो चले गाइस अब चलते हैं हम स्कूल सात्विक को लेने के लिए। हम निकल, मैं निकलती हूँ घर से। चलो अमित सात्विक को लेने चलते हैं, दवाई भी दिलाऊंगी ना। चलो चलो चलो, फोटो भी खिंचवा लेना ना, स्कूल में चाहिए, और दवाई भी ले लेना। आ जाओ अमित और मैं दोनों जा रहे हैं नुन्नू को लेने के लिए। आ गए हम सात्विक के स्कूल। ये है सात्विक का स्कूल, ये भी है। चलिए पहले सात्विक को ले लेते फिर आपसे मिलते हैं। आज दोनों पापा बेटे ऑरेंज ऑरेंज ले लिया सात्विक को भी। पीछे बैठे बेटा, पीछे अब चलते हैं घर पे। क्या हम एक फोटो खिंचवाने आए हैं, पासपोर्ट साइज फोटो खींचने आगे गए। हम सात्विक को लेकर स्कूल से, और अब बस मैं खाना बनाने लगी हूँ सबके लिए, और साथ के साथ मैंने अमित की फोटो भी खिंचाली पासपोर्ट साइज, जो कि अमित ने 6 साल बाद खिंचवाई है। इतने टाइम से पासपोर्ट साइज जो 4-5 फोटो पड़ी थी उसी को ही बार बार मैं बनवा रही थी, फोटो की फोटो बनवा रही थी। मैंने फाइनली आज खिंच गई है अमित की फोटो में, तो जैसे मिल जाएगी फिर मैं स्कूल में सबमिट करा दूंगी। तो चलिए पहले खाना बना लेती हूँ सबके लिए, भूख लग रही है तो बड़ी तेज। गाइस हम आया पार्क बच्चों को लेकर, स्कूल को आराम था, इनको दवाई दी थी, तो हम सब आए पार्क बैठ गए लेके आए बच्चे। चले चलो अंदर, बच्चे खुश हो गए पार्क लेकर आए, खेल लेंगे अब बच्चे। इधर आ जाओ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ नुनू थोड़ी सी, मैं ना पतली तो हो नहीं रही। नुनू कह रहा पतले हो जाओगे। क्या कह रही है, फुल्लू है यहाँ, फुल्लू, फूल को फुल्लू कहती है। ओ मार दी बॉल। बॉटल तो हटा देते पानी क्यों, कैसे खेलेंगे, आ जाओ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नहीं उधर नहीं लेके जाओ नुनू किचन में, इसको थोड़ा गिल्ला है, इधर ही आ जाओ। वो देखो पार्क में भी नाराज हो गए बेटा, ये घर को ही है पार्क है ये तो। ओ धीरे बैठो बेटा, छोटी है वो। खुद ही फेंक दी ताकि भाग जाए, भागने का बड़ा शौक है इसको। आ जाओ अब इनको तो खेलना आने रहा, इसके पापा खेलेंगे, आप ही खेलो बेटा। बॉल करो, बॉल फेंको पापा के पास फेंको। ओए इतनी अच्छी बॉल फेंक रही। ओ फेंको, जल्दी पकड़ो जल्दी पकड़ो, दोबारा से फेंको। ओ ऐ पापा को भी नहीं खेलना, तेज की फेंको भी, पकड़ो 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 दिए पकड़ो, ये रही। फिर नाराज हो गए, दिया पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो, अब फिर से फेंको। ओ पकड़ो पकड़ो, लेकर आओ जल्दी लेकर आओ, ये इधर नहीं इधर, ये लो पकड़ के लाओ जल्दी। धीरे मेरे को दे, ला मेरे को दे। नाराज हो जाते, तू बॉल करा वो खेलेगी। चलो
करो के बारे मैं जा रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज करने, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। किस पे कहूँ, इधर से शुरू करते हैं। ओए नहीं 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 हाँ मैं कराऊंगा। देखिए इधर सात्विक बैठ तो गया, इससे तो हो भी नहीं रही है वाली। ओए ओए कर रहा धीरे धीरे। अरे वाह, थोड़ी थोड़ी हो रही है, ये तो बिल्कुल नहीं होगी सात्विक से, ऐसे करके करना। तो देखिए गाइस, जो एक्सरसाइज बैठ के होते हैं सात्विक ने खड़े होके कर ली। और अच्छा भी लग रहा है। अरे वाह, ये एक्सरसाइज तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों की अलग अलग एक्सरसाइज। वाओ, ये वाली एक्सरसाइज भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। झूला एक्सरसाइज कर ले, साथी की भी झूला एक्सरसाइज, दिया की भी झूला। ओए हाँ, ये वाली भी अच्छी है। तो गाइस बहुत इंजॉय कर लिया और बच्चों को भी करवा दिया, एक्सरसाइज कर ली हमने, अब चलते हैं घर। पानी पी लो, पानी पी लो, बच्चों को पानी पिलाओ, पानी लो बेटा, घर नहीं है, पानी पी लो पहले। झूले में जा रहे हो और बैक पीछे बैठो नुनो, चलो अब घर चल रहे हैं, चलो घर चल रहे हैं, आ जाओ। आगे गाइस हम अपने घर पार्क से थक गए हैं, बस अब बनाएंगे सब्जी। तो गाइस दिया हमें सुनाने वाली है पोयम, मछली जल की रानी है। चलो दिया सुनाओ। मर जाएगी। ऊपर पंखा चला दो, सुना दो। ऊपर पंखा, नीचे बेबी, सोते सोते खा लो बेटा मूंगफली में, हम तुम्हारे मामा गए वहां से लाए, बिल्ली ने मारा मामा हो गया ये। तो गाइस खाना बना दिया मैंने, छोले चावल, अमित बस खाने भी लग गए हैं, और ये भी लस्सी, लस्सी भी बन गई जीरा लस्सी। साथी क्या खा रहा है, मम्मी वो खा रही, और मेरी दिया गंद मचाती है इसलिए इसको नीचे बिठा रखा। लग खाना खा लो, देखो खाएगी नहीं है, देखो क्या कर रही है। तो मैं सात्विक की नोटबुक पे मैं ना कवर चढ़ा रही हूँ, बहुत पहले से मैसेज आया था बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज फाइनली मेरे को टाइम मिल गया रात में, तो मैं कवर ही चढ़ा रही हूँ उसमें, ट्रांसपेरेंट है सारे कवर। ये सही है वैसे, क्योंकि इसमें पूरे स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ आराम से दिख रहा है। कर दिया गाइस सारा काम, फिनिश हो गया, साथी के कवर भी चढ़ गए कॉफियों में, और अब दिया को रोटी खिला रही हूँ, क्योंकि अब ये तंग करती है बहुत ज़्यादा ना, खाना खाने में ना बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। पहले इसकी दादी लेकर बैठी हुई थी, दादी से भी थोड़ी सी रोटी खाई, अब फिर मैं दोबारा लेकर बैठी, मैं सोची थोड़ी सी खा लेगी तो रात में रोएगी नहीं, वरना रो रो के बुरा हाल कर देगी और मुझे तंग कर देगी, फिर मुझे उठना बड़ा आलस आता है। तो चलिए मैं इसको खाना खिला देती हूँ और फिर उसके बाद सोएंगे हम। तो इस ब्लॉग का मैं यही कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बाय बाय।